एकदम ठोक दीजिए, 1 करोड़ लाइक दिखना चाहिए, ठोक दीजिए लाइक और सब्सक्राइब, कैमरामैन फॉलो कीजिए। हाँ तो भाभी जी बताइए कि आपके पति देव मर गए हैं तो आपको कैसे लग रहा है? लगता है गलती सवाल पूछा गया है कि भाभी जी आप कंटिन्यू रहिए भाभी जी कंटिन्यू। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मृतक के पत्नी पूरा होशो हवास खो चुके हैं, बोलने की स्थिति में नहीं है। हमको तो ये सोचकर टेंशन हो रहा है कि भाभी जी दो छोटे छोटे बाल बच्चे को परवरिश कैसे करेंगे। हम करेंगे परवरिश भाऊ जी, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, हम आपको देंगे, आप हमको दीजिए। इस राज्य में शराब बंदी है, उसके बावजूद भी शराब कहा जाता है, लगातार लोग जहरीली शराब पी पी के मर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? हाँ तो भाई साहब बताइए कि इसका जिम्मेदार कौन है? हमसे मत पूछिए, इन लोगों से पूछिए। भाई साहब आप बताइए कि इसका जिम्मेदार कौन है? हमको नहीं पता। आप बताइए तो इसका जिम्मेदार कौन है? अरे कोई बता ही नहीं रहा है। रिपोर्टर साहब इधर आइए, हम बताते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है। कौन है इसका जिम्मेदार? सरकार है। इसका जिम्मेदार सरकार कैसे है? पहले दारू चालू था तो नीमन दारू आ रहा था, लेकिन जैसे से सरकार दारू को बंद किया है तो यहाँ से डुप्लीकेट दारू आने लगा है, जिससे आदमी पी पी कर मर रहा है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिएगा रिपोर्टर साहब, आप एक को आदमी को मरने नहीं देंगे। कैसे मरने नहीं दीजिएगा? सारा डुप्लीकेट दारू हम पी जाएंगे और हम किसी को मरने नहीं देंगे। रिपोर्टर साहब आप टेंशन मत लीजिए, इसका शुरुआत हम कर चुके हैं। कैसे? जब देखिए। हम बताते हैं रिपोर्टर साहब इसका जिम्मेदार कौन है। हाँ तो बताइए तो इसका जिम्मेदार कौन है? रिपोर्टर साहब जब से ही राज्य में दारू बंद हुआ है ना, तब से पूरा सिस्टम को खरीद कर कच्चा दारू बेच कर लोगों को मारने वाला एक ही व्यक्ति है, कच्चा दारू माफिया भुट्टन सिंह। भुट्टन सिंह से टकराएगा तो माटी में मिल जाएगा। अरे इंटरव्यू देने का बहुत शौक है तुमको? तो करता है काट के सारा कुत्ता को खिला दे। भाई 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 हो गया हो गया, छोड़ दीजिए भुट्टन भाई, मर उड़ जाएगा तो दारू के केस के साथ साथ मर्डरों के चलने लगेगा। भुट्टन भाई हमको कोई बोल रहा था कि जो मर्डर करके जेल में जाता है ना उसको बैंक का चोखा खिलाता है, ये ले लेगा डरा धमका के छोड़ दीजिए। न्यूज में आने का बहुत शौक है तुमको, बना दे हम न्यूज। नमस्कार प्रणाम, जैसे कि आप देख रहे हैं कि दारू माफिया भुट्टन का खुलियाम लाने पर युवक को हुआ। भाई 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 रहने दीजिए, डर गया बेचारा, उठ भाग जल्दी यहां से। ए छोरा आइंदा से हमर नाम ले लिया ना तो साला हम अपन वाला मुंह में डाल देगा तुमको। कदी डाल दीजिएगा बंदूक और गोली मार देंगे तो बैंक के चौका खाइएगा। साला साला डरा डरा के यहाँ कंफ्यूज कर देता। ऐसे बोलिए ना कि फट जाता है हम। भुट्टन भाई, भुट्टन भाई, ओ भुट्टन भाई कदी हुआ रे, पुलिस आ रहा है। भाग रे, भाग भाग रे। भुट्टन, ए भुट्टन सिंह, अरे कहाँ गए हो सब लोग? भुट्टन, ए भुट्टन, भुट्टन सिंह, अरे इतना ही है, अरे फोन उन करके आया करो यार, ऐसे में तो अखनी हमारा जिया धक धक करने लगा था साला। अब उसे बात छोड़िए भुट्टन भाई, अल्लाह ये कोथी। अच्छा समझ गए, हेलो भुट्टन भाई, हम कह रहे हैं कि हमार कमीशन दीजिए ना। तो ऐसे खुल कर बोलो ना, अरे जंगल में खड़ा होकर इशारा मारेगा तो हम कथी समझेंगे? ये ना समझेंगे है? लो पकड़ो ऐस करो, तनका संभाल के भुट्टन भाई, आपकी दारू पीने से बहुत लोगों के गांव में मौत हो गया, ऐसे पूरा सिस्टम एकदम टाइट हो गया। आई जे नायका दरोगा जी आए हैं आपके एरिया में, बहुत बड़का खरूस है और आपको रिमांड पर रख ले हैं, जै दिन पकड़ लिए ना आपको लंबा ढक लेंगे जेल में पतन का संभाल के। जब तोरा ऐसा वफादार आदमी हमारे साथ है तो कोना बात के डर है रे। लीजिए हवलदार जी एक पैक मार लीजिए। बड़ा सुंदर दिख रहा है, एकदम मटेरियल टाइट मारा है कि। आ,
मस्त है मस्त है। सुनो ना, दो चार बोतल पैक कर दो। की पैसो दे और प्यासो बुझे। भुट्टन भाई, अरे समुंदर में से दो गिलास पानी निकाल लेंगे तो समुंदर के पानी घट थोड़ी ना जाएगा। अरे ठंडा वाला बोतल में भर के दे दो। आध लीटर बोतल में? हाँ हाँ दे रहा है, टेंशन ना लो, जल्दी से भर के दे दो रे, गर्मी बहुत है। जाओ पियो और ऐश करो। काम कंप्लीट हुआ रे? इस राज्य में शराब बंदी है, उसके बावजूद भी शराब कहाँ जाता है? लगातार लोग जहरीली शराब पी पी के मर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? हाँ तो भाई साहब बताइए कि इसका जिम्मेदार कौन है? हमसे मत पूछिए, इन लोगों से पूछिए। भाई साहब आप बताइए कि इसका जिम्मेदार कौन है? हमको नहीं पता। आप बताइए तो इसका जिम्मेदार कौन है? अरे कोई बता ही नहीं रहा है। रिपोर्टर साहब इधर आइए, हम बताते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है। कौन है? इसका जिम्मेदार सरकार है। ये हम क्या देख रहे हैं दरोगा जी? जब इस राज्य में शराब बंदी है और हमारा सरकार पूर्णतः शराब बंद कर चुका है तो ये शराब आ कहाँ से रहा है और ऐसे खुलियाम बिक कैसे रहा है? विधायक जी, कुछ लोग बाहर से लाके बेच रहे हैं, कुछ लोग तो यही कच्चा शराब बना के बेच रहे हैं। तो आप लोगों को सरकार किस लिए पैसा देती है, है? खा कर सोने के लिए? और ये कच्चा शराब बना कौन रहा है? विधायक जी, आप ही का पसंदीदा आदमी है। हमारा पसंदीदा आदमी? जी विधायक जी, आप ही का पसंदीदा आदमी भुट्टन सिंह। भुट्टन सिंह? जी विधायक जी। अंदर कर दो भुट्टन सिंह को। सही सुना, पकड़ के अंदर कर दो साले को। जब आग ज्यादा फड़फड़ाने लगे तो समय रहते उस पर मुंह देना चाहिए, नहीं तो वो आग घर जला देता है। अब मालिक, किचन में इतना मोट के खीरा, उसका क्या करें? उस पर तेल लगाओ। जी मालिक। उसके बाद उसको अपने अंदर डाल लो। नहीं मालिक, बड़ा मोट है, अंदर डालेंगे ना तो बड़ा दर्द करेगा। रे सला, उसको जाओ सलाद बना कर रखो, हम आते हैं तो खाते हैं। अच्छा ठीक ठीक मालिक। विधायक जी, आप अपन खास आदमी को भी नहीं छोड़िएगा। दरोगा जी, राजनीतिक बहुत रंडी चीज है, किसी एक का नहीं होता है। जाइए आप अपना काम कीजिए। जी विधायक जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मालिक मालिक, तुम पैर पकड़ के तो झाड़ू मार लेते हैं। अरे ज्यादा खचराई किया ना तो तुम्हारा सैलरी काट लेंगे। तो हम आपके खाना में जोहरे मिला देंगे। अच्छे से साफ करो। हट गया ना साहब? हाँ हट जा रहे हैं। क्या बात है फुलकेना, आज बहुत सुंदर लग रही हो। रहने दीजिए, ज्यादा मस्का ना मारिए, इतना ही हमारी सुंदरता का ख्याल रहता तो 6-6 महीना पर घर ना आते। अरे पगली, काम धंधा रहता है तभी ना घर से बाहर रहते हैं। तो छोड़ दीजिए ना ऐसा काम, हमको नहीं चाहिए दारू के पैसा, नहीं मैं जान का ठीक ना प्राण का ठीक, अरे जैसे कमाई जैसे खाइए और हमारे साथ रहिए। जो कहो फुलकेना, गुस्सा में तुम एकदम माल लगती हो, मन करता है कि खाना ही पीना छोड़ कर भवर पाजा पकड़ के काट ले। क्या तोहर गुलाबी गुलाबी ओठ? खाली ओठ काटिएगा जी, अगर तुम्हारा परमिशन होगा तो काट लेंगे। नाक जी, परमिशन वाला कौन बात है, सब धन तो आप ही का ना। तो ठीक है, जल्दी से काम खत्म करो, आज ना हमारा अपना धन पे कब्जा करना है। बुढ़न कहाँ है? नहीं पता, बहुत दिन से घर पे नहीं आए हैं। खबर के मुताबिक तो पता चला था कि आज वो घरे पे है, गया कहाँ साला? है घर का कोना कोना छान मारो, वो बच्चे नहीं चाहिए, जल्दी जाओ। ए, ये बाथरूम में कौन है? बाथरूम में मम्मी जी हैं। बोलो तो बाहर निकलने के लिए। सासू माँ, हगल हो गया है तो बाहर निकल आइए। ये आजकल के लड़के पुतो से ना ठीक से हो गए तो ना ठीक से खा देगा। आइए कौन है? आगे हमारे बेटे के 6 महीना घर से बाहर गेल की भेल, तो मैं अभी यार घर में बुलावे लगले के बाप खाऊ के। दादी जी हम पुलिस वाला है। अरे बाप रे बाप, पुलिस वाला के नहीं है यार, बने लगे बाप खाऊ के। दादी जी आप गलत समझ रहे हैं। अरे बाप रे बाप रे, बेटा कहाँ आ गए, आ जाओ, मैं तो पुलिस वाला साथी बाप खाऊ के उड़ जाता हूँ भाग जाता। दादी जी,
मिलेगी, जल्दी चलो। हम घर पर है, ये बात इस सबको कौन बताया? हेलो विधायक जी, आपका तो खबर गलत निकला, भुट्टन घर पे नहीं है। क्या भुट्टन घर पे नहीं है? लेकिन हमको जहाँ तक पता चला था कि भुट्टन आज घर ही पे है। लेकिन कोई बात नहीं है विधायक जी, हम आज उसको अपन पावर दिखाते हैं। बंटी, रे बंटी, रे कहाँ? भुट्टन भाई, भुट्टन भाई, सब कुछ बर्बाद हो गया। भुट्टन भाई कौन किया है ये सब? साला दरोगा, सलाम बचेगा, सलाम बचेगा, साला पूरा घर बर्बाद कर दिया सबका, राज्य को बर्बाद करने पर लगा हुआ। दरोगा जी, आपको आपकी सुंदर बीवी की कसम धीरे धीरे मारिएगा। हाँ हेलो, हम भुट्टन सिंह बोल रहे हैं। अच्छा भुट्टन भाऊ को, ये बहुत गलत किए हो दरोगा, चुपचाप हमारे आदमी को छोड़ दो। नहीं छोड़ेंगे तो क्या कर लेगा रे? घड़े जाएंगे, पंखा से फसरी लगा के मर जाएंगे, तो हर नाम फंसा देंगे, तो जला जल साला। बाक्सला रख फोन। साला फोन काट दिया हमने, इस साला को बताते हैं कि भुट्टन से टकराना कितना महंगा पड़ता है। रे बंटिया चल हमारा साथे। कहाँ भुट्टन भाई? तोहर बाप के बिया है ना, वहे में नागिन डांस करने चल, चला जहाँ कह रहे थे। हाँ स्पीकर बंद कर। चुप रहो, चुप रहो बेटा। बेटा बोले तो माल के मुंह फाल दे। की दरोगा, बहुत टेरिया रहा था ना, तोहर बेटवा को उठा लिए हैं, अब हमर आदमी को छोड़, ना तो तोहर बेटवा को बुट्टी बुट्टी काट के कुत्ता को खिया देंगे। हमरा पता था कि तू दू कौड़ी का हरकत करेगा, तू हमर बेटा को उठाया है ना, हम तोहर बाप को उठा लिए हैं और तोरे कच्चा दारू बना तोर बाप को पिया रहे हैं। ए दरोगा, उबरा दारू हमारे पिताजी को मत पिलाना। तो आके रोक लो थाना में। भुट्टन भाई, भुट्टन भाई, क्या हुआ भुट्टन भाई, भुट्टन भाई? रे चाचा जी को आरो लाके दारू दो। जल्दी दो। बहुत मस्त दारू है, कहाँ से आता है सब दारू? सलाम दिमाग में एकदम जला गया, पी क्या लो? आराम से पीजिए। आराम से पी रहे बाबूजी। भुट्टन, चूहा को कैसे बिल से बाहर निकालना है ना, वो हमको अच्छी तरह से आता है। बाबूजी, दारू नहीं पीजिए बाबूजी। क्या सलाह, बहुत कड़क दारू है, पीने दे हमको। बाबूजी वो दारू ना जहर है, जहर। साला जब तुमको पता है कि दारू जहरीला है, इसको बनाता बेचता कहला है रे? सर जैसे तुम्हारे लिए हम बाप प्यारा है, उसी ना सबके लिए बाप भाई प्यारा है रे। ये तो हमको दरोगा जी बताया है कि साला तुम जहरीली शराब बनाता और बेचता है। साला यही तुमको हम पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किए थे दूसरे के घर उजाड़ने के लिए। जो भी कुछ किए हैं तो आप ही के लिए ना किए हैं। झूठ बोलेगा रे साला, आज तक 1 रुपया हमको कमा के दिया है रे। दरोगा जी कानून के हिसाब से जो सजा हो सबको दीजिए, को नहीं छोड़िएगा। गिरफ्तार करो इसको, हाथ भर करो। तो ये वीडियो हम लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो जानती हैं क्या क्या करना है, हर बार बोलते हैं इस बार भी बोल रहे हैं, लाइक कमेंट शेयर, वीडियो को अपने दोस्तों में दबा के कीजिए, जबरदस्ती कीजिए, व्हाट्सएप फेसबुक सभी जगह फैला दीजिए। और हाँ,
चैनल का सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी से, नीचे लाल या भूरा बटन दिख रहा होगा जल्दी से दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए बाइक रेसिंग फैमिली के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।